वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें हम ऐसे क्वेश्चन का जिक्र किया है जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हमारा टारगेट है 1000 क्वेश्चनों का जो है रिवाइज कराना है। और ये हमारा जो है एपिसोड नंबर 6 है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जो है ज़रूर कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से वह सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाई ए पर्सन, किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया प्रथम भाषण को क्या कहते हैं? तो मेडन स्पीच कहते हैं। नेक्स्ट है कि वन हु लिव्स ऑन फ्लेश, वह जो केवल मांस पर आश्रित रहता है उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं कार्निवरस यानी मांसाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि वन हु फिट्स ऑन ह्यूमन फ्लेश, वह जो मानव के जो है मांस पर जो है आश्रित रहता है यानी मानव के मांस को खाकर अपना भरण पोषण करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कैनिबल यानी नरभक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, आदमी जो है सेम परिस्थिति में रहता है यानी सेम, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कंटेम्पररी यानी समकालीन। ए पर्सन हु अनेबल टू पे हिज डेट, एक आदमी जो है ऋण देने में असमर्थ होता है यानी ऋण चुकाने में असमर्थ होता है उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट या बैंक्रप्ट, और हिंदी में इसे कहते हैं दिवालिया। नेक्स्ट है कि ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, ऐसी आवाज़ जो सुना ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं इनोडिबल, इनोडिबल जो सुना ना जा सके यानी अश्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दैट कैन नॉट बी इजीली अप्रोच, जो है आसानी से जो है नहीं मिल सकता यानी अप्रोच नहीं हो सकता उसे हम क्या कहते हैं? इन जो है एक्सीबल यानी दुर्गम। नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 18 है कि गवर्नमेंट बाय रिलीजियस प्रिंसिपल्स, यानी वैसा शासन जहाँ जो है धार्मिक लोगों के द्वारा शासन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? थियोक्रेसी यानी धर्मराज कहते हैं। वायलेटिंग और प्रोफेनिंग रिलीजियस थिंग और प्लेस, वायलेटिंग का मतलब होता है उल्लंघन और प्रोफेनिंग का मतलब होता है अपवित्र करना, यानी जो है रिलीजियस थिंग यानी धार्मिक जगहों और स्थानों को अपवित्र करना कहलाता है सैक्रिलेज यानी अपवित्र पवित्र वस्तु को दूषित करना। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसे जो है सुधारा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? इनकॉरिजिबल यानी अशोध्य। और इसी का जो है अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, एक ऐसी आवाज़ जो सुना ना जा सके उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इनऑडिबल। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट बाय रिलीजियस प्रिंसिपल, यानी धार्मिक सिद्धांतों के द्वारा जहाँ जो है शासन होता है वहाँ उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं थियोक्रेसी यानी धर्मराज। नेक्स्ट है कि ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, एक आदमी जो अपना जो है ऋण चुकाने में असमर्थ हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट या बैंक्रप्ट, यानी हिंदी में उसे क्या कहेंगे? दिवालिया। अब नेक्स्ट है कि वन हु फीड ऑन ह्यूमन फ्लेश, जो मानव के जो है मांस पर
मांस के टुकड़ों पर जो है भक्षण करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं कैनिबल यानी नर भक्षी। और नेक्स्ट है हमारा कि अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन, तो कैसी जहाँ जहाँ जो है हवाई जहाजों को रखा जाता है उसे हम उस स्थान को क्या कहते हैं? तो ये प्रीवियस जो है पूछा गया क्वेश्चन है, हमने पिछले वीडियो में इसका जिक्र कर चुके हैं। तो उसे हम कहते हैं हैंगर यानी हिंदी में कहें तो विमानशाला। और आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है ए हैटर ऑफ मैनकाइंड, और दूसरा है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक आदमी जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे क्या कहते हैं? इस दोनों क्वेश्चन का जो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का सेशन इतना ही पे समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें।